सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा में हमारा विषय है पुडुचेरी में भी पतन, मजबूती का क्या जतन। संदर्भ बहुत स्पष्ट है, हम बात करने जा रहे हैं इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की। वह कांग्रेस जिसके समय पर एक समय इतिहास था कि अगर कोई बच्चा भी टिकट पा लिया करता था कांग्रेस पार्टी का तो उसके चुनाव जीतने की गारंटी मान ली जाती थी। इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ही कांग्रेस की सरकारों का ही बोलबाला होता था। वक्त के साथ कांग्रेस का पराभव होता गया, लेकिन अब हालात ये हैं कि कांग्रेस कितने राज्यों में प्रभावी स्थिति में इसे उंगलियों में बताया जा सकता है। और इसी क्रम के अंतर्गत आज पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार अस्तित्वहीन हो गई। नारायण स्वामी सदन में आए विश्वास मत प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन विश्वास मत प्रस्तुत करने से पहले ही वॉकआउट करके निकल गए। नतीजा कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार के पराभव के रूप में सामने आया। अब कांग्रेस की सरकार तीन ही राज्यों में है, एक पंजाब में, दूसरी राजस्थान में, तीसरी छत्तीसगढ़ में। दो जगह वह बैसाखी बनी हुई दो सरकारों की मदद करें, एक महाराष्ट्र में, एक झारखंड में। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में उसके तमाम नेता इस उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखते हैं कि नहीं नहीं हमारा समय बदलेगा, पर कैसे बदलेगा यह सवाल है, क्योंकि इन सरकारों का बारी बारी से पतन, पहले कर्नाटक के संदर्भ में हास्य देखा, अब पुडुचेरी के संदर्भ में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हमारी आंखों के सामने से गुजरा है। तो यह सवाल अपने आप में आ रहा है कि जिस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, अब उन्होंने ये कहना तो बंद कर दिया है, पर क्या उनका यह मिशन कामयाब होता तो नहीं दिख रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जो आज वायनाड में ट्रैक्टर चला रहे थे, वो समझ ही नहीं पाए कि पुडुचेरी में उनकी फसल विपक्ष कैसे काट कर ले गया। समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रयास कांग्रेस अपनी वापस मजबूती हासिल करने के लिए कर रही है, वाकई कोई प्रयास है या केवल एक आई वॉश। इसी संदर्भ में चर्चा के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराए और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाए। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा कमाल का है, संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन कैनेडी का यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह कहा था कि विजय के 1000 पिता हैं, लेकिन हार एक अनाथ है। आशय ये कि अगर कहीं कोई जीत हासिल होती है तो उस जीत का श्रेय देने के लिए और लेने के लिए तमाम चेहरे सामने आ जाते हैं, पर जब हार सामने आती है तो कोई उसका जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता है। पुडुचेरी के संदर्भ में भी नारायण स्वामी ने यह कह के अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली कि केंद्र ने हमारे साथ धोखा किया। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या जिम्मेदारी हो गई है कि जहां पर भी विरोधी दलों की सरकार है उन्हें बने रहने दिया जाए, उन्हें सुचारू रूप से चलवाया जाए, या ये जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि वह अपना कार्यकाल पूरा करे। तो इसी मसले के साथ में हम अपनी चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वीरेंद्र वशिष्ठ जी मौजूद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय त्रिवेदी जी हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उस राजस्थान के संदर्भ में जिसके संदर्भ में यह माना जा रहा है कि अब भाजपा का अगला निशाना एक बार फिर राजस्थानी होने वाला है। हमारे पास इस पूरे मामले पर नजदीकी निगाह रखने वाले देश के जाने माने ख्यात पत्रकार श्रवण गर्ग जी मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में प्रदीप चौधरी जी भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, पर चर्चा की शुरुआत हम वीरेंद्र वशिष्ठ जी से करते हैं और वीरेंद्र जी से जानना चाहते हैं, कहां आप मजबूती की बात कर रहे थे, कहां वापस चढ़ने की बात कर रहे थे, हम तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहां तक उतरेंगे, कहां तक नीचे जाएंगे, गर्त से भी नीचे क्या गर्त है जहां तक जाने के लिए कांग्रेस प्रयत्नशील है, थोड़ा रोशनी डालेंगे इस परिस्थिति के संदर्भ में, केंद्र पर ठीकरा फोड़ेंगे या अपनी कमियों के संदर्भ में भी जानने की कोई कोशिश वीरेंद्र जी आप करेंगे? नमस्कार हिमांशु जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से आज जो बात आप लोग कर रहे हैं मैं उस पर आपको करना जी। अभी राहुल जी ने कहा कि ये सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है जी, और वो कारण ये नहीं है कि ये इसलिए कि हम दो जो दो लोग हैं और उनके जो दो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं होएगी तो ये उन सरकारों को किडनैप कर जबरदस्ती से, इनका पहला तरीका चुनाव का होता है, चुनाव में जब हार जाते हैं आपने देखा, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे गोवा हो, चाहे अब मध्य प्रदेश में देखा आपने
कि ये किडनैपिंग करने लगे हैं, डेमोक्रेसी को लूटने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की हम दो हमारे दो की सरकार कर रही है। हम दो और हमारे दो का पैसा लगकर जिस प्रकार येन केन पर केन विपक्ष की सरकारों को तोड़ा जा रहा है, ना तो कांग्रेस कमजोर है ना कांग्रेस का वर्कर कमजोर है। कांग्रेस का वर्कर हिमालय की चोटियों और हिंद महासागर की गहराइयों तक है। कोई भी कांग्रेस के वर्कर को इस देश से हिला नहीं सकता। अगर किसी को गलत फहमी है तो प्रधानमंत्री जी 6 साल से चिल्ला रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस आती जा रही है। ठीक है कि चुनाव में इनके 4 हिस्सेदार हैं, पहले तो ये झूठ का तूफान चलाते हैं, फिर ईवीएम पे करते हैं। आज पूरा राष्ट्र कह रहा है कि ईवीएम को हटा के पोस्ट मतलब बैलेट बॉक्स बैलेट पे आ जाओ। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि इनके डेमोक्रेसी को लूटने के 3 ही तरीके हैं, झूठ की बातें जुमलों से, ईवीएम, और फिर अगर फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर किडनैपिंग करके, मतलब ये लूटपाट मचाकर। तो इसमें कहीं कोई कमजोर नहीं है, ये केवल हम दो हमारे दो का तरीका है जो देख रहा है। ये विलाप करने से आपको लगता है कि कांग्रेस की जड़ों को आप सींच लेंगे? ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा कि हिमालय से भी ज्यादा मजबूत, सागर से भी ज्यादा गहरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। भूविज्ञानी ये बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे कमजोर पर्वत जो है ना वो हिमालय, सबसे कच्चा पर्वत माना जाता है, और उतने ही कच्चे इस समय आपके नेता दिखाई देते हैं। जो तमाम कांग्रेसी विधायक मध्य प्रदेश में भाजपा ही हो गए, वो कांग्रेस के ही थे, आपके कार्यकर्ता आपके नेता थे। अभी पुडुचेरी में भी जो हिले हैं वो भी कांग्रेस के ही विधायक हैं, कभी कार्यकर्ता रहे होंगे, अब नेता हैं, वो भी हिल गए। तब भी आप इतनी दमदारी से कह रहे हैं कि हमारे लोग हिल नहीं सकते। हिल क्या सकते हैं, गिरते पड़ते हम देख रहे हैं। एक दूसरा, ऐसी कोशिश महाराष्ट्र के संदर्भ में भी हुई थी। शरद पवार ने अपने भतीजे समेत एक भी विधायक को भाजपा के पाले में नहीं जाने दिया। ये देश ने देखा, ये दिखती है मजबूती, ये दिखता है नेतृत्व, ये दिखती है संगठन क्षमता। कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व को आता पता नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरी सरकार चली गई, राहुल सोनिया जी कभी कोई बैठक लेते हुए नहीं दिखे, भोपाल जाते हुए नहीं दिखे। पुडुचेरी में सरकार आपकी चली गई, राहुल गांधी वायनाड में ट्रैक्टर चला रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं देश को? डेमोक्रेसी के रूप में सरकारें घेरी जा रही हैं क्या? ये हम दो हमारे दो के तरीके पर सरकारें नहीं घेरी जा रही है? आज चर्चा पत्रकारिता जगत में होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है हम दो हमारे दो की सरकार के द्वारा, तो ये आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जो पैटर्न इस देश में लियाए हैं हम दो हमारे दो के लोग, वो इस देश में केवल कॉरपोरेट जगत को ही जीने का अधिकार रहेंगे। हमारे लिए जो राजनीति है, राजनीति का मतलब हमारे लिए सेवा है, राजनीति का हमारे लिए शिक्षा के लिए क्रांति करना, हमारे लिए भूख खत्म हो उसके लिए क्रांति करना, किसानों के लिए अच्छे प्रबंध करना, इस सब चीज को छोड़कर केवल हम दो और हमारे दो के लिए सोचने का काम आज चल रहा है। वीर जी, आपने कहा कि पत्रकारों को बात इस पर करनी चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूं क्योंकि आप मेरे मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। पत्रकारों को क्या करें जी आप इसके संदर्भ में? मेरा एक सवाल है, डेमोक्रेसी खतरे में डाल दी है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या इसको रोक पाने में, क्या इसको थाम पाने में, क्या इसको बदल पाने में कांग्रेस में दम नहीं है? ये आपसे सवाल है। आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे तो बस की नहीं है, क्योंकि सामने दिख रहा है आपसे कुछ हो नहीं पा रहा। उदाहरण मैंने आपके सामने शरद पवार का दिया, कोशिश वहां भी हुई, उन्होंने रोक के दिखा दिया, पर कांग्रेस के संदर्भ में ऐसी कोशिशें सफल होती नहीं दिख रही है। हम दो और हमारे दो की भी हमने अब एंटीबॉडीज तैयार कर दिए, इनको आने वाले समय में हम दिखाएंगे। हमने इनको बताना है कि कोरोना जो ये आ गया डेमोक्रेसी में, इसको नहीं रहने देंगे। एंटीबॉडी डेवलप कर ली है, ऐसा वीरेंद्र वशिष्ठ जी का तब दावा है जब आज दोपहर में ही वो अपनी एक और सरकार खो चुके हैं, उन चुनिंदा सरकारों में जो देश के नक्शे पर कहीं कहीं कांग्रेस की उपस्थिति को दर्शाती हैं। मैं अजय त्रिवेदी जी के पास में बाद में जाऊंगा, पहले श्रवण जी के पास इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए जाना चाहता हूं। श्रवण जी, जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम दो हमारे दो को कहकर क्या कांग्रेस केवल आत्मसंतोष को प्राप्त कर रही है या इसके माध्यम से कुछ हासिल भी करेगी? क्या कहेंगे आप कांग्रेस की इस बुरी तरीके से जो गर्त में जाती स्थिति दिख रही है इस पर? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। तो बड़ी चीज है कि कांग्रेस की अपनी कमजोरियां हैं,
पांडुचेरी में राहुल गांधी गए थे उसके बाद ये सब हो गया। जी और कांग्रेस की अपनी कमजोरी है कि वहां के 5 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था जी और अल्पमत में आ गई थी, तो कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पा रही है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है खुद जो दिल्ली में है वो काफी परेशान हालत में है क्योंकि वो खुद ही विरोध झेल रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो हाईकमांड है उसको लेकर भी काफी नाराजगी चल रही है, नेतृत्व को लेकर भी चैलेंज किया जा रहा है जी, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी नेतृत्व को लेकर चैलेंज किया जा रहा है और राज्यों में भी नेतृत्व को लेकर चैलेंज किया जा रहा है। इसका एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि पुडुचेरी में बीजेपी का कोई विधानसभा सदस्य ही नहीं था जी, तो जो मतलब बीजेपी की प्रेजेंस ही नहीं थी वहां। जो 3 नॉमिनेटेड लोग थे जो सेंटर ने किए थे जी, जो उनके कारण नामांकित लोगों के कारण मतलब अल्पमत में आ गए ये लोग, मतलब 2 चीजें हुई, एक तो कांग्रेस के लोगों ने इस्तीफे दिए और दूसरा 3 लोग जो सेंटर से नॉमिनेट हुए उनके कारण। अब ये आखिरी स्टेट थी कांग्रेस की साउथ में जी, अब कोई कांग्रेस की साउथ में सरकार नहीं है, मतलब नाम को एक सरकार थी पुडुचेरी में जी, आप देखेंगे कि पूरे साउथ में नहीं है। देश में कितनी सरकारें हैं वो तो आपने बताया अभी जी, कि छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है और जो भी है, तो कांग्रेस की स्थिति इस समय बड़ी मतलब जैसे आप राजस्थान का भी उदाहरण देखें जी, कि इतना सब चल रहा है यहाँ देश में जी, मध्य प्रदेश में हो गया जी, और राजस्थान में पहले भी हो चुका है, पायलट जिस तरह से विद्रोह करके गए थे और अब नए सिरे से वहां जो किसान सम्मेलन चल रहे हैं जी, और एक तरह का तनाव चल रहा है राजस्थान में भी और केंद्र कुछ मतलब इस पूरे मामले में जो पुडुचेरी हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, एक ही चीज निकल के आती है कि जो सेंटर है इनका हाईकमांड जो है जी, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब स्टेट्स में लोग चैलेंज कर रहे हैं हाईकमांड को, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को, और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे जी। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं, मतलब आपके यहाँ खुद के यहाँ कमजोरी है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा मतलब अयोध्या में जाके संकल्प तो लिया नहीं है कि वो कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह होगा तो भी वो उनकी सरकार को बनाए रखेंगे जी। तो मतलब हम नैतिकता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से करना चाहते हैं जी। पर भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों को निकाल के अपने उसमें ले रही है जी। और जो रेलवे मैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी में आने को है, गुलाम नबी आजाद भी आने को है जी। कांग्रेस अपनी कमजोरियों का जो ठीकरा है वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के सिर पे फोड़ना चाहती है? मतलब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते रह जाएंगे और बाकी सरकारें भी चली जाएंगी, ऐसा है ये मामला। ऐसे हालात बन गए हैं कि वो केवल ट्रैक्टर चलाते रह जाएंगे। अब वीरेन विशेष को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनका संक्षिप्त हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर जाकर अजय त्रिवेदी जी के पास चलते हैं क्योंकि अजय त्रिवेदी जी वहां से हमारे साथ जुड़े हैं जहां पर अब भाजपा की अगली निगाह एक बार फिर गढ़ने वाली है। जी वीरेन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हिमांशु जी, इस देश में संविधान बनाते वक्त इस देश के नेताओं ने क्या सोचा था जी? बहुत से देश हमारे साथ आजाद हुए, वहां जमहूरियत आई और इन्हीं प्रैक्टिसों की वजह से खत्म हो गई। हम नैतिकता की जो बात कह रहे हैं वो नैतिकता इसलिए जरूरी है, क्या ये कोई तरीका है जिस प्रकार से, अगर ये इतने ही होते तो हमारी एक लड़ाई चल रही थी पुडुचेरी में जो किरण बेदी जी अपने आप पे स्वायत्त शासन चला रही थी जी। तो हमारे लीडर वहां लड़ रहे थे, तो आप देखिए किस प्रकार से गलत आदमियों को नॉमिनेट करके केवल सरकार तोड़ने के लिए जी। इनकी ये भूमिका केवल सरकार तोड़ने की है। आज मेरी को कोई उम्मीद नहीं है, कौरवों से नैतिकता की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती युद्ध के मैदान में जी। नैतिकता की कोई उम्मीद नहीं है ये मानते हैं वीरेन जी, लेकिन उसके बावजूद भी कर क्या पा रहे हैं, सवाल इस बात का है। देश देख रहा है कि कैसे, आप देखिए समय बदल रहा है, आज हिंदुस्तान का नौजवान, जवान और किसान सब इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है। और आप ये सोचे हैं कि आज की लाली माँ को देख के कि देश के लोगों को जो अन्याय झेलना पड़ रहा है,
उसका जवाब नहीं देगा, देगा देश जवाब देगा इस उम्मीद का वीरेंद्र जी। लेकिन मैं अजय त्रिवेदी जी आपके पास में आना चाहता हूं और समझना ये चाहता हूं कि श्रवण जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, राज्यों के स्तर पर चीजें बिखर रही हैं और केंद्रीय नेतृत्व उसमें कोई भूमिका निभा पाने में नाकाम रह रहा है। राजस्थान के संदर्भ में एक टकराव के दौर से पूरी कांग्रेस गुजरी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के तौर पर, और अभी राहुल गांधी जब आए तो उसके बाद से कांग्रेस की मजबूती की चर्चाएं कम और एक बार फिर टकराव की खबरें राष्ट्रीय स्तर पर साया हुई हैं। जो व्यवहार सचिन पायलट के साथ विगत 2-3 महीने से हो रहा है, क्या उसके चलते अगर हम ये उम्मीद कर लें ये सरकार भी कुछ दिन की है तो गलत उम्मीदों के साथ में? मैं शुरू करूं अपनी बात? जरूर। मैं सबसे पहले तो आपका साधुवाद देता हूं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा जी, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव जी। मीडिया को क्रिटिक कहा जाता है जी, उसका क्रिटिक होना इसलिए जरूरी है ताकि वो लोगों को जागरूक करे जी। आपने जो आज विषय लिया है मैं उसका आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मुझे कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हो और जो आने वाले समय में अगर ये संक्रमण होता है तो रुके, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले जी। दूसरी बात, हालात अगर चिंताजनक है तो मैं थोड़ा सा आपको माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ कि जब जनक और दशरथ जैसे भी राजा हुआ करते थे तब भी असुरों ने पूरे अपना साम्राज्यवाद फैलाकर सतयुग में चारों तरफ अपने कब्जे कर लेते, साम्राज्यवाद फैला दिया था और जिनमें अंततः परिणाम हुआ था। तो ये परिणाम जो होता है, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, परिणाम प्रकृति का नियम है, तो इस बात को तो लेके और कोई अपना मन खराब नहीं कर सकता है कि अब तो कुछ होना ही नहीं और बदलाव आएगा ही नहीं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे नंद वंश का शासन भी गया, मौर्य भी आए, सभी आए, समय रहते सब बदलाव होता है। डिक्टेटरशिप और निरंकुशता है उसकी एक सीमा हुआ करती है। नीचे एक दार्शनिक हुए थे जिन्होंने मूल्यों के अर्थ को परिवर्तन कर दिया था, उन्होंने जो वैल्यूज है, मूल्य है हमारे हमारे जीवन में, सत्य है, साहस है, हमारी नैतिकता है, उन्होंने उन सब मूल्यों को माना ही नहीं था। नीचे कहते थे कि शक्ति एकमात्र मूल्य और मापदंड शक्ति होना चाहिए, जिसके व्यक्ति शक्तिशाली उसको दास बनाना जो है उसका उसके लिए आवश्यक है। और जब हिटलर ने ये उनके नीचे के मूल्य पढ़े तो उसे लगा कि ये वैल्यूज जो है, जो बदली हुई वैल्यूज है, जो वास्तविक के सद्गुणों से परे है, वो बिल्कुल सही है। और पूरे विश्व पे हिटलर ने एक शासन किया था अपनी निरंकुशता के साथ। कमोवेश यही स्थितियां हो रही है जी। आप बार बार आक्षेप करते हैं कि इस तरीके से राहुल गांधी जी के कारण से हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसी भारतीय जनता पार्टी की यही स्थिति लाल कृष्ण आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी जब थे और 2009 का चुनाव हुआ था, शायद अच्छी तरह से याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में कभी नहीं था भारतीय जनता पार्टी मुक्त जो और इन मूल्यों मूल्यांतरण नीचे की बातें किया जा रहा है, आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया भी अपनी नैतिकता के साथ ईमानदारी से बात नहीं करता। मैं बिल्कुल आप पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये जो मेरे मन में शंका है ये मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ जी। बात की जब नरसिम्हा राव का शासन था और बेंजीन भुट्टो ने यूएनओ के जेनेवा के, मेरी बात सुनिए सर, जेनेवा के समय में जब उन्होंने बेंजीन भुट्टो ने आवाज उठाई तो नरसिम्हा राव ने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में एक समिति बना के और जेनेवा में भेजा, जहां पे बेंजीन भुट्टो को नेस्तनाबूद किया अटल बिहारी वाजपेयी, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद ने। ये वही राष्ट्र है जिसकी स्थिति इतनी पतित हो गई है कि कांग्रेस पे विश्वास करना तो शायद इनका धर्म ही नहीं है। जिस तरीके से मीडिया को कांग्रेस में लगातार अनवरत बदनाम करना चाह रहे हैं, नेतृत्व के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस हो रही है, जो मीडिया ट्रोल हो रहा है, मीडिया ट्रोल तो मैं नहीं कहूंगा, सोशल मीडिया ट्रोल हो रहा है, तो वो सारी स्थितियां जो है कहीं ना कहीं संक्रमण का कारण है। पर अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी नहीं है तो मैं इसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, बिल्कुल इस पर आत्मचिंतन और मंथन होना चाहिए। परंतु यहाँ पे यह भी कोई अगर ठान लेता है कि नहीं बदलाव नहीं आएगा तो मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हिंदुत्व की बात करके पूरे देश में कल्याण सिंह जी शासन कर रहे थे, एक जिन्ना की मजार पे जाके और आडवाणी ने थोड़ी सी गलती करी और पूरे देश ने उनको छिटका दिया, ये गलतियां इतिहास में कब कौन दोहराएगा और करेगा ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा। इतिहास किसी के साथ में नहीं रहता, वो अपना काम करता है, भविष्य अपना मार्ग तय करता है। उसके बाद जो वशिष्ठ जी ने कहा, मैं उसी को बात करूंगा कि अगर कितनी भी स्थिति हो जाए कांग्रेस इस तरीके से डिस्करेज और डिमोरलाइज होने वाली नहीं है। अब मैं अपने राजस्थान की बात पे आता हूं कि राजस्थान में आपने कहा कि अब की बारी राजस्थान की है, एक बार फिर मुंह की खाएंगे।
आपको शायद याद है कि उन्होंने अपने साम दाम दंड भेद तरीकों से राजस्थान की सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हो सकता है मनभेद मतभेद तो सभी जगह होते, क्या भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में मनभेद मतभेद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे वसुंधरा जी के, और दूसरे गुट की लड़ाई दिन भर सामने आ रही है, इसलिए ये चिंताजनक स्थितियां नहीं है। कोई भी स्थिति हो, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने सक्षम है, वो निश्चित तौर पे इनका जवाब देंगे। एक बार मुंह की खा चुके हैं, राजस्थान में सत्ता नहीं गिरेगी, अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल निकालेगी। मैं अपने नेता के प्रति ना केवल आशान्वित हूं, बल्कि मैं विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं, हमारे सभी लोग एक मत है, एक सूत्र है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, इन कल्पनाओं को हम मूर्त रूप देने के लिए बार बार अगर ये कहने की कोशिश करते हैं, अब की बारी राजस्थान की बारी, अब की राजस्थान की बारी है, एक अगर हम ऐसी परिप्रेक्ष्य ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित स्थिति नहीं है। पर उसके बावजूद भी कार्यकर्ता मुस्तैद खड़ा है। कोई मुक्त करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को, ईश्वर प्रदत्त प्रकृति है। हेगल ने कहा था कि ये जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो ईश्वर प्रदत्त प्रकृति है, और पृथ्वी पर अगर राज्य रूपी ईश्वर अवतरित है तो वो किसी को माफ नहीं करेगा। जो डिक्टेटरशिप और निरंकुशता पे आएंगे उनका इलाज तय है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि पांडिचेरी में जो हुआ, गोवा में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, अगर हम कहते हैं कि हमें ना जो कांग्रेस में टुकड़े होंगे तो बीजेपी को उसको आके लेना नहीं चाहिए, अगर यही मानसिकता रहती और हम मूल्यों का इतना ज्यादा हम पतन करने लग जाते हैं, मैं समझता हूँ स्थिति अच्छी नहीं। उनको तो आगे आके कहना चाहिए था कि नहीं, हम किसी भी सूरत में बीच में मुंह नहीं डालेंगे, परंतु यहाँ तो अंगूरों के लिए लोमड़ी मुंह टपका हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि मूल्यों का मूल्यांतरण नीच से के बताए दर्शन के अनुरूप हो चुका है। अरे जी, आपसे बात करते समय मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ या भाजपा प्रवक्ता से, जिस तरीके से दर्शन की आध्यात्म की आप बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तथ्यों पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या अजय त्रिवेदी जी इस उम्मीद के साथ में रहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी आडवाणी जैसी कोई चूक कर जाए और उसके चलते सत्ता की थाली कांग्रेस के पास आ जाएगी, या स्वयं भी कोई परिश्रम, कोई पुरुषार्थ, कोई पराक्रम करके इस देश में उम्मीद पैदा करेगी कांग्रेस? पहला सवाल। दूसरा, मेरे सवाल पूरे हो जाए, हमने पूरे इत्मीनान से आपकी बात को सुना और आपसे चाहूंगा कि एक बार सवाल सुन के फिर उनका जवाब दें। दूसरा, राजस्थान के संदर्भ में आप जहां तक बात कर रहे हैं, जानने में दिलचस्पी है और ये सवाल था आपसे, सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ हो रहे इस व्यवहार से संतुष्ट है, या एक आमंत्रण है भारतीय जनता पार्टी को नई कोशिश करने के संदर्भ में? इसके संदर्भ में त्रिवेदी जी कुछ कहना चाहेंगे? दो सवाल आपसे जी। सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं, अशोक गहलोत साहब हमारे नेता हैं, हमारी घर की बात है, ये आपस में चलती रहेगी। किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और किसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ ये तय करना जो लोगों का काम नहीं है। सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ, नेता अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीके से जाते हैं, सभी कार्यकर्ता साथ रहते हैं, सब मंच पे साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं। आज सचिन पायलट जी की जो महापंचायत होती है उसमें सभी नेताओं की, आप देखिए बैक स्टेज जो पोस्टर्स होते हैं उसमें सभी नेताओं की मान सम्मान के साथ फोटोज लगी हुई है, वो लिबर्टी के साथ पंचायतों को आयोजन कर रहे हैं। हम सब उनकी इस प्रयासों का स्वागत करते हैं, पर माननीय अशोक गहलोत साहब ने जिस तरीके से राज को चलाया है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी का भी मान सम्मान कम करने का कोई विषय इसमें छिपा हुआ है। और रहा सवाल जो भी घटनाक्रम पूर्व में हुए थे, मैं समझता हूं कि उस पर निश्चित तौर पर प्रश्न आकस्मिक रूप से उपस्थित हो सकता है, तो अगर किसी तरह के घटनाक्रम हुए थे तो वो वापिस समाप्त भी हो गए हैं। अगर छोटी मोटी बातें रहेगी तो वो समाप्त होती रहेगी, देश अपने रास्ते चलता रहेगा, राज्य अपने रास्ते चलता रहेगा। इन सब घटनाओं के बावजूद भी राजस्थान में सरकार स्थायी और स्थिर रहेगी, अपना पूरा कार्यकाल करेगी, ये मेरा सिर्फ स्थायी और स्थिर रहेगी, ये डॉक्टर अजय त्रिवेदी का कहना है। दर्शकों के लिए जानकारी में दिलचस्पी रहनी चाहिए कि सचिन पायलट आज से 3 महीने पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और सम्माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका में भी थे, इस समय वो माननीय विधायक हैं 3 महीने से, ये कांग्रेस के द्वारा उनके द्वारा प्रयत्न किया गया सम्मान है। और इस सम्मान के संदर्भ में जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो त्रिवेदी जी को लगता है कि थोड़ी सी जाति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर प्रदीप चौधरी जी के पास जाता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रदीप जी आपसे जानने में 2-3 दिलचस्पी है। क्या साबित करना चाह रहे हैं देश के सम्मुख? पुडुचेरी में नारायण स्वामी की निर्वाचित सरकार आज विश्वास मत के अभाव में गिर गई, और गिरने का एक बड़ा कारण यह रहा कि 3 भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत विधायक, उस भारतीय जनता पार्टी के जिसे 30 सदस्यीय सदन में, 3 मनोनीत को छोड़ दे, एक भी विधायक के संदर्भ में वहां की जनता ने भरोसा चुनाव के में नहीं दर्शाया था, एक विधायक नहीं जीता था भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने आज
पुडुचेरी में नारायण स्वामी के नेतृत्व की कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन की सरकार को धराशायी कर दिया। क्या कहेंगे प्रदीप जी, लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था, लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपके प्रयास, लोकतंत्र के प्रति आपकी संवेदनाएं इसी रूप में देश के सम्मुख व्यक्त होंगी, या इससे इतर भी कोई उम्मीद देश आप लोगों के संदर्भ में रख सकता है? पहली बात तो मैं भाई साहब आपसे ये कहना चाह रहा हूं और अपने मीडिया के दर्शकों के माध्यम से बात कहना चाहता हूं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस बात में विश्वास नहीं रखती कि किसी की सरकार गिराने का काम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने नीतियों के साथ अपने कार्यक्रम के अनुसार काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के दूसरे लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं तो उसमें किसी की सरकार गिर रही है किसी की जी। भारतीय जनता पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं रहती है प्रदीप जी, पूरा देश देख रहा है गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ और अभी पुडुचेरी में भी क्या हुआ। मेरा आपसे बुनियादी सवाल था, पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में 30 सीटों पर चुनाव हुआ था, एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था, लेकिन आज उस भारतीय जनता पार्टी के 3 मनोनीत विधायकों की भूमिका ने वहां की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार सांसद प्रदीप चौधरी जी? ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए किस तरीके की खाद, किस तरीके का पानी आपकी पार्टी के द्वारा डाला जा रहा है जिसके चलते देश उम्मीद कर सकता है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? ये हमारी पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये उनका अंतर्कलह है जी। वो अपने नेताओं को अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, उनके विधायक लोग असंतोष में है, वो दुखी है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए खुलकर के सारी बातें आने लग रही है जी। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जिस प्रकार से चल रही हैं वो सब देश अच्छी तरीके से समझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जी। एक प्रदीप जी बात बताएं, वो गंगा जल आप लोग कहां से लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत जब वो विपक्षी पार्टी में रहता है कोई नेता तो वो भ्रष्टाचारी होता है, वो जो है लुटेरा होता है, वो डकैत होता है, जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वार पर आता है उससे ज्यादा पवित्र, उससे बड़ा संत, उससे बड़ा साधु, उससे बड़ा लोकतंत्र का उपासक कोई नहीं रह जाता है। ये मंत्र, ये जल कहां से लेकर आ रहे हैं आप लोग? अब आप कुछ भी कहें इस बात के लिए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाला कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी नेता हो वो बड़े निष्ठा से बड़ी अपने ईमानदारी के साथ काम करने की इच्छा शक्ति लेकर के आता है और उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत कैसे बन सके इस उद्देश्य से इस भाव से वो काम करता है और उसी की निष्ठा के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे काम करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा के प्रस्तुतीकरण का जो सिलसिला चल रहा है किस राज्य में देखने को मिल सकता है देश को? राजस्थान के संदर्भ में, पंजाब के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, महाराष्ट्र के संदर्भ में, कहां हम उम्मीद कर सकते हैं जहां के नेताओं का हृदय परिवर्तन भाजपा के कामकाज को लेकर अब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा? प्रदीप जी अब हम ये नहीं कह सकते जहां जहां चुनाव होंगे वहीं में देखने को मिलेगा, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी प्रकार से आने वाले समय में केरल में चुनाव वहां भी आप लोगों को अच्छा परिणाम देखने का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलेगा जी। ये हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, हमारी भारतीय जनता पार्टी आस्था की पार्टी है, विश्वास की पार्टी है और जनहित की बातों को ध्यान में रखकर के काम करने वाली पार्टी है और उसी में आस्था रखने वाले लोगों की जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है उसी का परिणाम निकलता जा रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होता जा रहा है। तो प्रदीप चौधरी जी का दावा है कि हम तोड़फोड़ में कोई यकीन नहीं रखते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोगों का हृदय परिवर्तन स्वस्फूर्त होता है और उसके चलते भाजपा का विस्तार बढ़ता जाता है। वीरेन वशिष्ठ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग इतने आतुर हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग इतने आतुर हैं, उन्हें भाजपा के प्रति इतना आकर्षण, इतनी आत्मीयता, इतनी लालयत हो रहे हैं भाजपाई होने के लिए, कैसे रोकेंगे इस हृदय परिवर्तन को? हिमांशु जी, जब प्रदीप जी बोल रहे थे और जब जब एक मासूम बच्चा, मेरे से उम्र में बड़े मैं माफी चाहूंगा जी, मासूम बच्चा जब झूठ बोलता है तो उनके मुख पर हंसी रहती है और इतनी सुंदर हंसी मुझे प्रदीप जी के चेहरे पर दिखी जब वो ये कह रहे थे कि हम तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम केरल में आगे करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि आप
पांच एमएलए नहीं जिता सकते और आप आज खुद स्वीकार कर रहे हैं हम ये हृदय परिवर्तन केरल में भी करेंगे, हम ये हृदय परिवर्तन और जगह भी करेंगे। मैं आपको नमन करता हूं कि आपने इनडायरेक्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि हम तोड़फोड़ भी करते हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। पर मैं प्रदीप जी एक छोटा भाई के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि देश की डेमोक्रेसी के लिए ये तरीका ठीक नहीं, इस संक्रमण को यहीं रोक दो, जनता के बीच में जाओ। डेमोक्रेसी में जनता अगर फैसला करेगी कि भाजपा को हम जिता के भेजेंगे, हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से तोड़फोड़ करना और ईवीएम को हटाओ, ईवीएम के बजाय आप बैलेट पे आओ, और दूसरा ये तरीका ठीक नहीं है। और हम तो हमारे दो का जो कार्यक्रम है उसको यहीं रोक दो, अब ये तरीका ठीक नहीं है। प्रदीप जी चुनाव में हम आपसे घबराएंगे नहीं, खूब लड़ेंगे, बंगाल में भी आपको हराएंगे, केरल में भी हराएंगे, पंजाब में भी हराएंगे, आप देखते रहना। देश का नौजवान किसान और जवान जिस प्रकार से प्रताड़ित है उसका जवाब आने वाले दिनों। प्रदीप चौधरी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पहले वीरेन जी आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं। देश के लिए ठीक नहीं आप ये कह रहे हैं, देश की चिंता हम बाद में कर लेंगे, अभी तो चिंता हमें कांग्रेस को लेकर हो रही है। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिस प्रकार की फटेहाल स्थिति में पहुंच रहा है उसको लेकर चिंतित है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए ऐसा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, और विपक्ष में जिसको भूमिका निभानी है उसकी हालत हमें ठीक नहीं दिखती है, इसलिए आपसे सवाल। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं एक गंभीर सवाल लेकर, हमने जिक्र किया था पहले चरण में भी कि शरद पवार को जब ये चुनौती मिली महाराष्ट्र के संदर्भ में, उन्होंने अपने नेतृत्व को, अपने संगठन कौशल को, अपनी पकड़ को पूरे देश के सम्मुख प्रस्तुत किया। जिस अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी वो अजीत पवार भी वापस शरद पवार के पीछे खड़े दिखाई दिए। क्या शरद पवार से कुछ सीखने के लिए कांग्रेस तैयार है कि पार्टी को नियंत्रण में कैसे रखा जाता है, पार्टी के विधायकों को नियंत्रण में कैसे लिया जाता है, पार्टी के संगठन को कैसे बचाया जाता है? क्या ये सीखने के लिए कांग्रेस कुछ तैयार है, या केवल भाजपा के संदर्भ में विलाप करके उसे लगता है कि उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी? हिमांशु जी, मैं आपको एक वादे से कह सकता हूं कि कांग्रेस की जड़ें बिल्कुल मजबूत है, हमारी जड़ें मजबूत है। देश में विपक्ष की बात करी तो इस सरकार ने जैसे आई सबसे पहले हमला किस पे किया था? किसानों पर। ऑर्डिनेंस आते थे ना किसानों को लूटने के लिए, हमारी मेहनत थी, लोगों का साथ था, और हमने वो ऑर्डिनेंस रद्द करवाए पहले खेती वो जमीन लूटने का। और आज मैं फिर वादा करता हूं आपकी इस मंच से कि हम अपने किसान भाइयों के साथ, और ये तीनों काले कानून इस सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। देश के लोगों के लिए लड़ना विपक्ष का काम है और वो विपक्ष करेगा। और जहां तक बात है संगठन, आप देखना अब भी मजबूत है, और आने वाले दिनों में आपको कांग्रेस का संगठन बिल्कुल सुचारू और मजबूत तरीके से दिखेगा। तो ये दावा है वीरेन जी का, मुझे श्रवण जी के पास जाना है वीरेन जी के दावों के संदर्भ में। यही प्रदीप चौधरी जी का एक बार हस्तक्षेप सुन लें, प्रदीप जी को कुछ आपत्तियां थी वीरेन जी के कथन के संदर्भ में। जी प्रदीप जी, आप कुछ असहमति व्यक्त करना चाहते थे? मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की ये भाई साहब कह रहे थे कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी कैसे, हम लोग ये कहना चाहते हैं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार से लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में परिणाम बताने का काम करेंगे। इनको भी सीख लेने का काम हम लोग, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सीख ले लें, पता चल जाएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये सीखना इन्हें क्या है, भाजपा से लोग कैसे जुड़ रहे हैं, या भाजपा किस कौशल से लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, क्या सीखने की जरूरत है? जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, उनके दुख दर्द में रहता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम सब लोगों के बीच में खड़ी है जी। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी। इन्होंने तकलीफ इसी बात की है, ये अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे, दूसरे के ऊपर में मतलब वो आरोप लगाने हैं, आरोप बढ़ने का काम करना है, अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे, भाजपा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये प्रदीप जी का कहना है। लेकिन मैं श्रवण जी आपके पास आता हूं, सचिव हैं वीरेंद्र वशिष्ठ जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, और उनका यह दावा है संगठन पूरी तरीके से मजबूत है, जड़ें एकदम गहराई तक हैं, मौजूदा हालात के बाद भी यह दावा, यह आत्मविश्वास क्या आपको कहीं से भी उम्मीद जताता है, दिखाता है, जगाता है श्रवण जी,
कि कांग्रेस कहीं कुछ सुधरने की स्थिति में जाने वाली है, या आप इन टिप्पणियों से और ज्यादा निराश और ज्यादा हतोत्साहित होते हैं? क्योंकि इनको लगता है 50 सीटों पर सिमट जाने के बाद, कुल 4 राज्यों में रह जाने के बाद भी कांग्रेस बेहद मजबूत है, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, कांग्रेस एक नई उम्मीद देश के अंदर दे रही है। मैं तो बहुत निराश हूं, यहाँ कांग्रेस के 2 लोग हैं, पर उन्होंने जो कहा उससे मेरी निराशा और बढ़ गई है जी। मैं चूंकि कांग्रेस के बचाव में यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं तो एक विश्लेषण, जो मेरा एक इंडिपेंडेंट विश्लेषण है स्वतंत्र, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सुन के निराशा हुई है। और वो काफी, देखिए इसमें आपने जो, मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूँ। तो गहलोत सरकार को वहां कोई खतरा नहीं है जी, राजस्थान में ये सरकार चलेगी, मतलब 5 साल तक चलेगी जी। तो अगर गिरना होती तो गिर जाती, वो जब पहला विद्रोह किया था पायलट ने जी, जब ये सिद्ध हो गया कि उनके पास विधायक ही नहीं है, 18 लोग हैं, 19 लोग हैं, तो अब बीजेपी की भी उनमें कोई रुचि नहीं है, मतलब गहलोत में कोई रुचि, पायलट में कोई रुचि नहीं है जी। और पायलट को पब्लिकली और वैसे भी ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और अपने गुर्जर क्षेत्रों में, अजमेर में, दौसा में और भरतपुर आदि इलाकों में किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो वो चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी वहां 3 उपचुनाव हैं राजस्थान में, तो उसमें और चीजें पता चल जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, हम देखिए इस मामले में राजस्थान की बात नहीं कर रहे और पौंडीचेरी की भी बात नहीं कर रहे जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की जी, कि ऑल इंडिया लेवल पर, अखिल भारतीय स्तर पर। तो ये जो हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं लोकतंत्र वगैरह की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का ने कोई लोकतंत्र को मजबूत करने का ठेका नहीं लिया है जी। मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र को बचाने की या उसको मजबूत करने की, या कांग्रेस की सरकारें अगर, और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है जी। ये तो हम लोग, ये मैं जो कांग्रेस है वो कह रही है कि विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस को खत्म, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जी, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उसमें मदद कर रहे हैं जी, हाँ हम आपके साथ हैं। मतलब कई बार तो ये षड्यंत्र भी होता है कि क्या कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई है कांग्रेस के नेता जी, कि वो मदद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए। कांग्रेस का संकट जो है ना वर्तमान में, वो संकट जो दिल्ली का है वही राज्यों का है जी। और 2 संकट हैं जी, एक तो 2 पावर सेंटर्स हमेशा रहे हैं कांग्रेस में, दिल्ली में भी रहे हैं। मतलब आप अगर नरसिंह राव जी के जमाने में देखें तो एक सोनिया जी का घर पावर सेंटर था, एक नरसिंह राव थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे पर पावर सेंटर सोनिया जी के यहां था। ये जो स्थिति है ये राज्यों में भी बनी रहती है हमेशा, हर जगह बनी रहती है, और वो कांग्रेस उसको अलाउ करती है, मतलब कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के असंतोष की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी नेता के खिलाफ हैं तो आप पार्टी के खिलाफ हैं और पार्टी में आपकी जगह नहीं है। और कांग्रेस में यह स्थिति कि अगर आप किसी के खिलाफ हैं तो आप खिलाफ बने रहिए, आपकी पार्टी को जरूरत है। तो ये जो स्थिति चल रही है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस जी क्यों टूट के गई, या सिंधिया क्यों गए, या पायलट का विद्रोह क्यों है, आपको सब जगह ये पता चलेगा कि ये जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड लोग हैं और जो नए लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर। अब आप कह रहे हैं पायलट को धैर्य रखना चाहिए जी, और सिंधिया को धैर्य रखना चाहिए, ये मतलब जो बहुत उतावले हो रहे हैं, जैसे राजस्थान की भाषा में कहते हैं जी, कि बहुत उतावले हैं ये, जैसे त्रिवेदी जी से भी बात करो तो बोले इतना उतावलापन ठीक नहीं है जी। अब उतावलेपन का मतलब ये है कि 2023 नवंबर तक तो पायलट इंतजार करें जी,
उसके बाद वसुंधरा की सरकार या बीजेपी की सरकार 5 साल आएगी। राजस्थान की परंपरा ये है कि कांग्रेस बीजेपी, तो एक आदमी जिसने पिछले चुनाव में 21 विधायक जिताए थे सिर्फ गहलोत, वो आज पावरफुल है राजस्थान में। तो पार्टी में अगर कांग्रेस जो विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र की बात कर रही है, उसके खुद की पार्टी में लोकतंत्र नहीं है जी। कि एक आप ही ने कहा ना, वो पी चीफ थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके जो भरतपुर के हैं विश्वेंद्र सिंह, वो मंत्री थे, सबको आपने जो सारे के लोग हैं उनको बाहर कर रखा है गहलोत ने जी। और फिर भी आप चाहते हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, कांग्रेस बहुत पावरफुल है जी। वही स्थिति मध्य प्रदेश में थी। तो ये कांग्रेस का संकट है और बीजेपी का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, तो इसलिए ये लड़ाई अलग किस्म की है और इसको राहुल गांधी या सोनिया गांधी एड्रेस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो संकट उनके पास सामने है वही राज्यों में भी संकट है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस शायद उस संकट की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रही है जो उसके सम्मुख है। भाजपा के संदर्भ में ये आरोप लगाने पड़ते हैं कि लोकतंत्र में इनकी दिलचस्पी नहीं है, तो भाजपा के संदर्भ में श्रवण गर्ग जी कह रहे हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का कोई ठेका नहीं ले रखा, उनका बस चले तो यहां पर कोई और दल बचे ही नहीं। तो आपसे जानने में दिलचस्पी अजय जी, भाजपा की इच्छा पूर्ति का साधन कांग्रेस ही क्यों बन रहे हैं लगातार? इतने राज्यों से लोग टूट टूट कर भाजपा ही हुए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसे? भाजपा के आकर्षण में दम है केवल ये बता के कर्तव्यों की इतिश करेंगे, या कांग्रेस नेतृत्व अपने से जुड़े हुए लोगों को अपने साथ बांधे रखने में नाकामयाब हो रहा है, और क्यों हो रहा है इस पर भी कोई समीक्षा करना चाहेंगे? जी, मैं अभी कुछ ज्यादा अगर मैं एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा तो आप मेरी तुलना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करेंगे जी। नहीं, कांग्रेस का एक अपना मंतव्य है और इंटेलिजेंट होना सिर्फ भाजपाइयों का ही ठेका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रूपी जो मेनका है वो तो विश्वामित्र के लगातार तपस्या भंग करने का प्रयास कर रही है और कभी कभार कामयाब भी हो जाती है। विश्वामित्र जैसे तपस्वी मुनि भी अगर मेनका के उसमें आ गए थे तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ विश्वामित्र रूपी सरकारों को इनकी मेनका ने निश्चित तौर पर नेस्तनाबूद किया है, मैं इससे सहमत हूं। पर यहाँ पे अपन बार बार ये बात करते हैं, जो कुछ भी बदलाव आ रहा है उसमें हम सिर्फ कांग्रेस के ही कलह की बात करके और अगर हम एक पक्ष को समाप्त कर लेते तो क्या जो कुछ भी हो रहा है उस स्थिति को कैश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रयास नहीं है। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, इन्होंने विधानसभा सत्र आहूत नहीं किया, उसके लिए धरने देने पड़े, जो स्पीकर का अधिकार था। राज्यपाल ने अपने निरंकुशता के साथ में, राज्यपाल महोदय जी ने, महामहिम जी ने निरंकुशता के साथ में उसको परमिशन नहीं दी, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से परमिशन दी गई। नहीं तो पहले दिन कह देते कि हाँ सत्र अगर आउट करना चाहते तो करिए, एक सरकार की इच्छा है जिसको करना चाहिए, स्पीकर की इच्छा है। ये सारी चीजें इस बात को इंगित करती है कि मेनका रूपी भारतीय जनता पार्टी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में कोई कमी नहीं रखती, इसको मानना पड़ेगा। हम सिर्फ एक ही बात को अगर कह के कर देते कांग्रेस इसका साधन नहीं बन रही। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं आपकी हर बात को देखो, आप बड़ा कटाक्ष तगड़ा करते हैं, हमें भी अपनी डाल थोड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि आप चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आपके कटाक्ष बराबर चलते हैं, आपकी तलवार में बड़ी धार है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे भी अपनी डाल मजबूत रखनी पड़ेगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रयास करती तो कांग्रेस को अपने स्ट्रांग उसके साथ जाना पड़ेगा, परंतु जिस तरीके से धन बल दूसरी सारी ताकतों के साथ में वो एमएलए को खरीदने की कोशिश करती, बाड़ेबंदी जैसी नौबत आ जाती है जो कि बिल्कुल भी अगर हम नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंतु उन्होंने जो कांग्रेस मुक्त भारत का आधार बनाया वो लोकतंत्रात्मक आधार नहीं है, बल्कि जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही का आधार बना रहे हैं। ये देश के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। आज इनकी सरकार है, कल खुदा ने पास था, जैसे भी बदलाव आएंगे, मैंने कहा परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो इस देश का क्या होगा? एक सुंदर देश था जिसकी बहुत सुंदर इतिहास है तब से लेकर आज तक, इसमें ये हरकतें ठीक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो सरकार नहीं बनाना चाहते, इनका अंतर्कलह आपस में निपटते रहेंगे, हमारा नेतृत्व निपटता रहता है, एक को अगर असंतुष्ट है तो दूसरे को सही करते रहते हैं, परंतु वो जैसे ही कहीं लगता है तो वो पहले बीच में कूदते और उस असंतोष की खाई को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बीच में रोकता हूं और अपने सवाल को थोड़ा सा आपको खुश करते हुए करता हूं।
जैसा राहुल गांधी ने बोला था ना संसद में कि आज प्रधानमंत्री जी को खुश कर देते हैं। मैंने सम्मान्य वीरेन जी से सवाल किया था कि शरद पवार आपके सम्मुख एक उदाहरण है, मैं आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की थी, आपने उसके संदर्भों का हवाला भी दिया, लेकिन अशोक गहलोत सफल रहे अपने साथ विधायकों को जोड़े रखने में, भाजपा की कोशिश राजस्थान में सफल नहीं हो पाई। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि महाराष्ट्र में शरद पवार सफल हो जाते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत सफल हो जाते हैं, पर बाकी पूरे देश के सम्मुख जब ऐसे संकट अलग अलग राज्यों में आते हैं तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें कोई प्रभावी भूमिका निभा पाने में क्यों चूक जाता है, ये आपसे सवाल है। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया, राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भूमिका में दिखाई नहीं दिया। अभी पुडुचेरी के संदर्भ में स्वयं श्रवण जी ने भी उल्लेख किया, राहुल गांधी गए उसके 3 दिन बाद आपकी सरकार इतिहास के पन्नों में समा गई। कोई निराशा, कोई अफसोस, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई संताप आपके मन में नहीं आता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर? जिनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं वो आप लोगों की तरफ निगाह डालने के लिए भी तैयार नहीं होते? जी त्रिवेदी जी, किसे? अच्छा मुझसे क्या जी, देखिए इस बात को हम इस तरीके से तो कह के समाप्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे नेतृत्व को इसका कोई संताप नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले भी मीटिंग्स हुई है, उससे पहले भी हुई है, इस तरह के दौर पहले भी आए थे, परंतु कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया और इस बार भी निभाएगा। अभी थोड़े दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी यह तय किया गया था कि जहां कहीं भी असंतोष हो उसको खत्म किया जाएगा। यह अलग बात है, आपकी प्रश्न भी बिल्कुल वाजिब है, मैं किसी भी तरीके से आपकी बातों को नकार नहीं रहा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं मान सकते कि नेतृत्व बिल्कुल शांति से बैठ जाएगा और इस देश में कांग्रेस के साथ में जिस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है उसको होने देगा, ऐसा नहीं है। सारी जगह सही स्थितियां आएगी, आ रही है। पहले भी राहुल जी ने प्रयास करके और सचिन जी और अशोक जी को एक साथ एक मंच पे खड़ा किया था, वापिस होंगे और वो एक मंच पे ही है। ये जो किंवदंतियां है, ये सारी बातें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, पर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हम नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते, क्योंकि नेतृत्व अपना काम निश्चित तौर पे कर रहा है और करेगा। हाँ, ये बात है कि हम संताप की बात करें, दुख की बात करें, ये जिस दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस जन या कांग्रेस ही नहीं देख रहे हैं, हमारा नेतृत्व में पूरा विश्वास है, हम इस तरह के प्रश्न चिन्ह या प्रश्न करने की न स्थिति में न करना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी स्थितियां बदल जाएगी, कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ में वापिस आएगा। कुछ संक्रमण काल कई बार हो जाता है, समय विशेष के साथ वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा, अभी हमारे सर ने भी कहा था कि आतुरता बहुत ज्यादा दिखानी ठीक नहीं है, इसकी आतुरता की जरूरत नहीं है, समय के साथ सारी चीजें खत्म, संक्रमण काल है खत्म हो जाएगा इस उम्मीद के साथ में त्रिवेदी जी है। लेकिन मैं प्रदीप चौधरी जी वापस आपके पास लौटना चाहता हूँ और जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि आप देश में इतने प्रचंड बहुमत की सरकार चला रहे हैं, 300 से ज्यादा सीटें आपके पास में है, आधे से ज्यादा राज्यों में स्पष्ट तौर पर चुनाव जीतकर आपने सरकार बनाई हुई है, फिर भी भूख क्या है ऐसी सत्ता में बने रहने के संदर्भ में, जहां जनता आपको नहीं जिताती है वहां पर भी आप सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं? क्या हासिल करना चाहते हैं इसके माध्यम से, क्या जताना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की अनुयायी पार्टी अपने इन प्रयासों के माध्यम से देश के मानचित्र पर क्या कुछ लिख देना चाहती है? थोड़ा खुलासा करेंगे, समझ पाए कि जहां जनता खारिज करती है फिर भी आप दिखाना चाहते हैं कि जनता के मतों के मायने नहीं, मायने केवल हमारी कोशिशों के। मैं भाई साहब पहले भी कह चुका हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा एजेंडा नहीं रहता है कि तोड़फोड़ कर करके हम लोग सरकार बनाने में आए, लेकिन जहां अपने आप ही टूट-फूट हो रही हो, जहां अंतर्कलह बढ़ रहा हो, जहां असंतोष बढ़ रहा हो, उसे क्या कहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आपसे पहले, प्रदीप जी मैं रोकता हूँ आपको, आपने बड़ा मौजूद सवाल किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गोवा में आपकी सरकार थी, नतीजा आया आपको बहुमत नहीं मिला, आपसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी, जिसको आपके सम्मानीय मनोहर पर्रिकर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर फिक्सर कहा करते थे, उनका साथ लेकर सरकार बना लिए। आपने कहा लोग अपने आप आ जाते हैं, जिसको आप मिस्टर फिक्सर बनाते थे उनके साथ आप दिखाई दिए। बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार और आपके टकराव को पूरे देश ने देखा,
आप नीतीश कुमार के साथ गले मिल लिए, अपने आप कैसे मिल लिए समझना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधायक, जिस तरीके से सिंधिया, वो सिंधिया के भाषण आज भी सोशल मीडिया में चलते हैं जो सम्माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के संदर्भ में उन्होंने कहे, पर आपके साथ अचानक उनके दिल मिल गए। ये अचानक सब कुछ कैसे हो जाता है? वो चमत्कार तो बताइए, वो चुंबक क्या है आपके अंदर जिसके चलते लोग खींचे चले आ रहे हैं? हम भी तो समझें, ऐसी क्या चुंबकत्व आपके अंदर पैदा हुआ है जिसमें लोग स्वतः स्फूर्त चले आते हैं? ये वहां जो रहते हैं, जिस दलों में रहते हैं, वहां घुटन महसूस करते हैं, वहां असंतोष पनपता है, उस असंतोष का गुब्बारा जब फूटता है तब निकल करके बाहर आते हैं जी। और वही परिणाम आज हमारे पार्टी के प्रति आस्था जताने का काम करते हैं तो तभी जाकर के ऐसी स्थिति बनती है, अन्यथा हमारी पार्टी की कोई पहल नहीं इस प्रकार से होती है। सभी लोग अपनी आस्था के अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मन बना करके चलते हैं, तभी ऐसी स्थिति बनती है। सब देश के संदर्भ में ऐसा मन बनाते हैं प्रदीप जी, समझना चाहूंगा। शिवराज सिंह चौहान के भाषण भरे पड़े हैं हमारे पास में जिसमें सिंधिया को सामंती प्रवृत्ति का बताया जाता था, और जब आपके पास में आए तो अचानक वो जनहितैषी हो गए। कैसे ये रातों रात में बयान कैसे बदलता है, थोड़ा समझाएंगे? ये तो राजनीति होती है, जब आदमी आमने सामने टकराव की स्थिति आती है तब आदमी के विचार कुछ अलग तरीके के होते हैं। जब आदमी एक दल में काम करने वाले थे, एक आस्था से, एक नीति से, एक विश्वास के साथ, एक पार्टी के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो उसमें जरूर बदलाव देखने को मिलता है। तो सम्मान्य वीरेंद्र जी, आप प्रदीप चौधरी जी की भाषा को, प्रदीप चौधरी जी की रणनीति को समझ पा रहे हैं? आपका पाला किन लोगों से पड़ा है, किस कुशलता के साथ लड़ने की, जूझने की, निपटने की जरूरत है, समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस इस हालत में क्यों पहुंच रही है? नहीं, मैं एक ही उसमें कह रहा हूं, सिंहासन पर अंधा राजा, मंत्री सकनी समाज हुआ, बेबस लाचार द्रौपदी, दुर्योधन का राज हुआ जी। तो प्रदीप जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये लोग लूट वो तोड़फोड़ करते हैं, अगर इस पे ना ये सहमत हो तो ये हमेशा जब भी ऐसी बात करते हम नहीं करते लोकतांत्रिक मूल्यों पर। और जहां तक आपने राजस्थान की बात की, आदरणीय अशोक गहलोत जी ने विधानसभा से कहा था कि किस प्रकार जब वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे वहां की सरकार टूटने जा रही थी, बीजेपी के लोग टूटने जा रहे थे, हमने नहीं बनाई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कांग्रेस के जिसमें नेता, नीति और नीयत हमारी इस देश के लिए काम करने की है। और जहां तक बात है कि मिलके चलने की, हम मिले हो मिलके चलते हैं कि ये जो भ्रम फैलाया जाता है, आज कोई एक पद पर है तो उस पद पर नहीं रहेगा तो भूमिका बदल जाएगी। आज प्रधान संपादक हिमांशु जी हैं तो आप हमसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, मान लो नहीं होंगे तो यहाँ दूसरा आदमी होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि चैनल आपका सम्मान कम कर देगा। तो ना तो कांग्रेस में किसी का सम्मान कम होता है, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, श्रवण गर्ग जी ने भी, कि हमारे यहाँ आजादी है, अगर मेरे डिफरेंसेस है किसी के साथ उन डिफरेंसेस को मैं रख सकता हूं और अपनी बात को कह सकता हूं, उस हमारे यहाँ निकाला नहीं जाता। अगर बीजेपी के अंदर एक शब्द भी हम दो हमारे दो की सरकार के खिलाफ बोल दिया जाए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नहीं तो आपके लोकतंत्र की हालत तो देखी थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की ओर बिल्कुल बढ़ चले तब आपने निष्कासन का पत्र जारी किया था। आपसे जानना चाहूंगा एक बार फिर वीरेंद्र जी, आखिरी दौर की हमारी बातचीत है, कांग्रेस को लेकर कोई उम्मीद जाग नहीं रही है, क्योंकि जिस कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं वो कब भाजपा का हिस्सा हो जाता है पता नहीं चलता है। कैसे रोकेंगे, कैसे जनता आपसे उम्मीद जोड़ पाए, इस संदर्भ में कुछ कह पाएंगे आप इस कार्यक्रम में? देखो, जनता की हमारे साथ बिल्कुल जो बॉन्डिंग है वो सबसे ठीक है, और आप देख रहे हैं देश का पीड़ित नौजवान जो बेरोजगार है वो कांग्रेस की तरफ निगाहें रखे हुए हैं, टकाटकी निगाह लगाए हुए हैं। आप किसान को देखो, जवान को देखो, हर आदमी इस देश का जो इस सरकार से प्रताड़ित है वो चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, कांग्रेस की लीडरशिप आए। हर व्यक्ति लालायित है कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए, लेकिन जब चुनाव होता है तो एक बार 44 सीटें और एक बार 52 सीटें लोकसभा के अंदर आकर रह जाती हैं। जिस उत्तर प्रदेश से प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं उसमें एक सोनिया गांधी 8 सीट जीत पाती है, वो भी समाजवादी पार्टी की मदद के बूते पर। उसके बाद में भी वीरेंद्र जी चाहते हैं कि हम ये माने कि जनता आतुर है कांग्रेस को सहयोग करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को लाने के लिए। अजय त्रिवेदी जी, कम से कम इस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगा, इतने बुरे हाल के बाद भी ये दावा कि जनता तो फड़फड़ा रही है,
आपको सत्ता में लाने के लिए, आपको बनाए रखने के लिए? कुछ कहना चाहेंगे अपने साथी की टिप्पणी पर? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जनता चाह रही है और नेतृत्व भी चाह रहा है। हो सकता है कुछ आत्मचिंतन या आत्ममंथन की जरूरत हो सकता है कि संगठन की किसी और नवीनीकरण की जरूरत हो, तो वो निश्चित तौर पे होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप क्रिटिक्स हुआ करते हैं, आप किसी को जागरूक करने के लिए अगर बात करते हैं तो उसको मानना और उसका सम्मान करना चाहिए। तो निंदक नीर राखे वाली बात को मैं वापस दोहरा के कह रहा हूँ कि आपकी अगर बात ये सही है तो निश्चित तौर पे उसको करना चाहिए। अगर कोई संक्रमण या कोई ऐसा दौर गुजर रहा है तो उस पर आत्मचिंतन करके और निश्चित तौर पे संगठन को एक नया दिशा देना। त्रिवेदी जी ने कह दिया है कि निंदक नीर राखे, तो श्रवण जी मेरे साथ में है, देश में उनकी पहचान इस संदर्भ में है कि कोई बात अगर खरी सुनवानी हो तो श्रवण जी को सामने कर दीजिए। तो श्रवण जी, कार्यक्रम का समापन आपसे ही करते हैं, क्या कुछ कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस का क्या हाल है? इस पे तो हमने बहुत बात कर ली, के माध्यम से हमारे सुधी साथियों को मिले जिसमें यह पता चले कि कांग्रेस को दरअसल करने की जरूरत क्या है जिसकी तरफ शायद उसका ध्यान नहीं है। मैं तो ये जो हमारे वशिष जी ने जो कहा ना कि जनता बेरोजगार जनता कांग्रेस के साथ है जी, तो वो बेरोजगार जनता कांग्रेस के साथ है, पर जो भी सांसद या विधायक जी बेरोजगार होने का डर महसूस करता है वो बीजेपी में चला जाता है। तो ये दिक्कत है जी। तो ये चल रहा है अभी कि सांसदों और विधायकों को भरोसा नहीं है कि वो अगला चुनाव जो है कांग्रेस के टिकट पे जीत पाएंगे, इसलिए वो चले जा रहे हैं जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस समस्याओं को एड्रेस क्यों नहीं करती है जी। अजय माकन, अहमद पटेल और वेणुगोपाल जी की उसमें एक समिति बनाई गई जी राजस्थान के लिए जी, जो पहली बार संकट हुआ जी, उस समिति ने कुछ नहीं किया जी। और उस समिति का परिणाम यह है कि अभी राहुल गांधी जब गए वहां राजस्थान, तो राजे ये जो पायलट साहब थे वो उनकी गाड़ी में नहीं बैठे थे, उनकी गाड़ी में सिर्फ गहलोत साहब बैठे थे जी। पायलट जो है पीछे की गाड़ी में बैठे थे, और राहुल गांधी ने जितनी सभाएं एड्रेस की वहां, उसमें केवल एक सभा में सचिन पायलट बोलने गए जी, बाकी में नहीं बोलने दिया गया। ये जो आप बीजेपी को पोस्ट कर अगर अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो जनता इसके लिए तैयार नहीं है। अदर जो भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं इस तरह आक्रामक तरीके से, वो आक्रामक भाषा जनता को अपने साथ करने की और अपने समर्थकों को अपने साथ रखने की कांग्रेस में दिखी नहीं रही है जी। ये संकट जो है ना, ये जो भारतीय जनता फोन ठीक रहा है, मैंने पहले भी कहा कि ये कांग्रेस एड्रेस ही नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि एक आपका कांग्रेस काम कर रहा है जी। वो पूरी तरह से एक संगठन को नेस्ताभूत कर चाहता है और वो इसमें भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है और नरेंद्र मोदी उसका स्वागत कर रहे हैं। तो कांग्रेस को बीजेपी की जरूरत नहीं है मतलब समाप्त होने के लिए, कांग्रेस के खुद ही लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग ही खुद अपने आप को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वीर वशिष्ठ जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं कि वीर जी अगली बार मौका आएगा, कांग्रेस समय समय पर हमें मौका देती रही जिसके अंतर्गत हमारे कार्य करते रहने पड़ेंगे कांग्रेस की हालत लेकर। हम तो चाहते हैं कि कभी मौका आए जिसमें कांग्रेस की मजबूती को लेकर भी बात की जाए। 2018 में ऐसा मौका संयोग से आपने हमें उपलब्ध कराया था जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकार बनी थी, लगा था कि कांग्रेस एक बार फिर पुनर्जीवित होने जा रही है, लेकिन वो खुशी बहुत ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाई। चार महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से जो कहानी है वो पतन की है। प्रदीप चौधरी जी के मुस्कुराहट के साथ में दिख रहा है कि उस सिलसिले को बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नशील है, और श्रवण जी का कहना है कि उनके प्रयत्नों में सहयोग करने के लिए कांग्रेस नहीं ऐसा होगा। अजय त्रिवेदी जी, वीरेंद्र जैसे जिम्मेदार और कमिटमेंट वाले कांग्रेसी नेता अपने बीच में मौजूद इन आत्मघाती दस्तों को पहचाने बजाय इसके कि भाजपा को हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराए। भाजपा ने तो पहले ही कह रखा है कांग्रेस मुक्त भारत हमारा सपना है, वो सपना हकीकत ना बन जाए इसे रोकने की जिम्मेदारी वशिष्ठ जी या त्रिवेदी जैसे लोगों की तो है। देखें ये अपनी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभाते हैं। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस से जुड़ी चिंताओं में साझा होने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि कामयाबी हो गई
तो बेवकूफी पर भी नाज, कामयाबी हो गई तो बेवकूफी पर भी नाज, और जो नाकामी हुई अकल भी शर्मिंदा है। अकबर इलाहाबादी ने जो ये लिखा है इसके संदर्भ में कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है इस शेर से ही शायद कुछ समझ आए और आने वाले समय में एक नई इबारत कांग्रेस लिख पाए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप सदा प्रणाम।